सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर्स। सो कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस, बढ़िया रहना। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आने वाला है जहां से आप लोगों को काफ़ी अच्छे करेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा उस इवेंट में, सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ फ्री फायर का कुछ अच्छे अच्छे इवेंट, कुछ अच्छे अपडेट आने वाला है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मतलब आज के वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आप लोग ये सारा चीज जानना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री फायर के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्री फायर में न्यू इवेंट आने वाला, जहाँ से आप लोग करेक्टर ले सकते हो, उस इवेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देन मैं आपको फ्री फायर के कुछ अच्छे अच्छे अपडेट, कुछ अच्छे इवेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो अगर देख सकते हो आप लोगों को क्या करना होगा फ्री फायर में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 3rd एनिवर्सरी आ रहा है, तो उसी इवेंट में आप लोगों को ये इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप लोग कोई भी करेक्टर ले सकते हो। तो 26 करेक्टर देखने के लिए मिलेगा उस इवेंट में, गए। और वहां पर क्या करना होगा, कोई भी जो भी करेक्टर आपको पसंद है, जैसे कि मानकर चलो करेक्टर के सामने आपको टिक करने एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो हयातो है तो हयातो पर टिक कर देना। जो भी करेक्टर लेना गाइस, उस पर क्लिक करके टिक कर देना, ठीक है। मतलब आप लोगों को 26 करेक्टर में से एक ही करेक्टर मिलेगा, जो आप लोग चॉइस करके ले सकते हो। आपका जो पसंदीदा करेक्टर है उस पर आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं करोलिन पर टिक कर दिया हूं और नीचे क्लेम का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो क्लेम पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे को वो करेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस इवेंट में बेसिकली क्या करना होता है। जो भी करेक्टर आपको पसंद है वहां पर टिक करके आप लोग क्लेम करना होता है, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया हो। लेकिन आप लोगों में से काफी बंदे एक सवाल जरूर कमेंट में करेंगे कि भाई क्या हम लोगों को इस इवेंट में डीजे अलोक देखने के लिए मिलेगा? तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, डीजे अलोक नहीं देखने के लिए मिलेगा। पता है आप लोग सुनकर के काफी नाखुश हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, कुछ तो अच्छे करेक्टर आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये अच्छी चीज लगी। और बताना आप लोगों को ये इवेंट कैसा लगा। और हाँ, हो सकता है जब 3rd एनिवर्सरी पर ये इवेंट आए तो थोड़ा सा इसका इंटरफेस वगैरह चेंज हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को 100% आप लोगों को करेक्टर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोगों को इस का डिटेल्स दे दिया हूं। एंड इसके साथ साथ गए 3rd एनिवर्सरी पे और भी काफी वीडियो आने वाली है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाक से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना है, ताकि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड करूं आप लोग फटाक से उस वीडियो को देख पाओगे। ओके, एंड गाइस, यहाँ पर सेकेंड इवेंट की बात करें तो सेकेंड इवेंट आप लोगों को एक या फिर 2 वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप लोगों को एक न्यू कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिलेगा। तो उस कॉस्ट्यूम का डिजाइन लुक कैसा है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है, काफी कूल सा डिजाइन है गाइस। और हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल काफी ओपी है, और हेयर कलर ब्लैक है तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इसके ऊपर भाई एडम चचा तो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है ये सारा ड्रेस पहन करके। तो यहाँ पर टॉप देखोगे, टॉप का कलर रेड है तो काफी कूल लग रहा है। और यहाँ पर बॉटम की बात करें तो बॉटम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड शूज वगैरह भी काफी कूल है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा। और गाइस, इस कॉस्ट्यूम को बाहर के सर्वर में किस इवेंट में दिया जा रहा है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। हालांकि ये जो इवेंट है गाइस, ये इवेंट इंडिया का सर्वर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ये कॉस्ट्यूम कोई और इवेंट में देखने के लिए मिलेगा इंडिया का सर्वर में। लेकिन मैं आप लोगों को ये इवेंट दिखा देता हूं, तो देख सकते हो काफी लेट लग रहा है यहां पर लोडिंग करने में गाइस। तो ये देख सकते हो गाइस, कतई चिमकाने जैसा इवेंट मेरे को लग रहा है, जहां पर आपको डायमंड का लोल करना पड़ेगा। और यहां पर आप लोगों को ग्लोबल का स्किन वगैरह भी दिखाया जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया का सर्वर में ये इवेंट आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को 100% तो बता ही सकता हूं भाई कि ये बंडल आप लोगों को एक या फिर 2 वीक के अंदर आप लोगों को किसी भी इवेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि ये कॉस्ट्यूम आप लोगों को कैसा लगा। ओके गाइस, यहां पर 3rd अपडेट की बात करें तो 3rd अपडेट भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि 3rd अपडेट में आप लोगों को एक नया लक रॉयल देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप लोगों को पुराने से पुराने गोल्ड रॉयल का कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन कौन सा गोल्ड रॉयल का कॉस्ट्यूम है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, जो ब्लू वाला भी है, रेड वाला भी है। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो 1st और 2nd वाला जो गोल्ड रॉयल का कॉस्ट्यूम आने वाला है वो यार एकदम सारे बंदे के पास नहीं होंगे। तो मतलब आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है गाइस कि स्पिन करके आप लोग ये सारे कॉस्ट्यूम ले सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों के पास कितना 10 गोल्ड वाउचर है गए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पिन करके ट्राई कर लेते हैं अपना लक को कि यहाँ पर मेरे को कौन सा बंडल मिलता है। तो फटाक से स्पिन करते गए और यहाँ पर चिमकांडी वाले चीज मिल रही है, तो देखते हैं मेरे को कोई तो गोल्ड का कॉस्ट्यूम मिलेगा जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ।
ओके भाई कुछ भी नहीं मिला तो कते चिमकांडी वाली बात होगी। और हाँ गाइस, मैं इसके अलावा आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट और सेकंड जो अपडेट दिया हूँ ये 100% श्योर है कि आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं थर्ड अपडेट दिया हूँ गोल्ड कॉस्ट्यूम के बारे में वो यहाँ पर 50-50% चांस मैं आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज यार कुछ ऐसे चीज होता है जो इंडिया का सर्वर में नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को थर्ड अपडेट यहाँ पर 100% श्योर नहीं हूँ कि आएगा या नहीं आएगा। बाय द वे आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लोग एक बंदे भी लाइक करते हो तो भाई मोटिवेट होता है और आप लोगों के लिए काफी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।